सुजानपुर नगर में किराए के मकान में रह रही एक युवती ने अपने साथ दुराचार होने का मामला सुजानपुर थाने में दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि जिला कांगड़ा के एक युवक ने उसके घर में आकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला के थुल क्षेत्र की एक युवती जो कि सुजानपुर के डोली में किराए के मकान में रह रही थी, उसके साथ कांगड़ा जिला के ही लाड़ू क्षेत्र के एक युवक ने घर में आकर अवैध संबंध बनाए। इसके बारे में युवती ने रिपोर्ट की है। पीड़ित युवती ने उस युवक के खिलाफ थाना सुजानपुर में अपने साथ हुए दुराचार के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित युवती को जिला न्यायालय में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसके बयान कलमबद्ध किए जाएंगे। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यालय में नगर परिषद द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्षा सुलोचना ने की। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशानुसार हमीरपुर के सभी नगर निकायों में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हर दिन 3 दिन के आधार पर एक विशेष 20 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 25 तारीख तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शहरी समुदाय के अलग अलग वर्गों के साथ आयोजित की जाएंगी, जिसमें सफाई से संबंधित रैलियां निकाली जाएंगी और चुनिंदा स्थानों पर सफाई अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। स्थानीय प्रशासन, वार्ड पार्षदों व बुद्धिजीवियों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं कार्य योजना से संबंधित जानकारी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर द्वारा स्थानीय कमेटी एवं स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। बैठक में सभी पार्षद, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि एवं नगर परिषद हमीरपुर के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। साई विजन पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी के प्रबंधक, स्टाफ और बच्चों ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक एक पौधा लगाने की कसम ली और उसका पालन पोषण करने की भी जिम्मेदारी ली। इसके बाद स्कूल में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग कंपटीशन और कविता संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग। कविता संगोष्ठी में 25 छात्रों ने भाग लिया और अश्वी शर्मा, अदिति और रिया ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं पोस्टर मेकिंग में आयुष, प्रविंकल, शोभिक ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान और पेंटिंग कंपटीशन में अंजलि, आयुषी और अंशुल ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता देवी ने बच्चों को पर्यावरण को शुद्ध बनाने के तरीके बताए। ईद के मौके पर सोलन की जामा मस्जिद में सुबह से ही भीड़ जुटना आरंभ हो गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर नए कपड़ों में सज धज कर नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए और खूब हर्षोल्लास के साथ सोलन में ईद का त्यौहार मनाया गया। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माल रोड पर स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अच्छे भविष्य की कामना की। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम और यहां दूर दूर से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने देश की तरक्की और सलामती की दुआ मांगी है। वहीं प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि सोलन की जामा मस्जिद में दूर दूर से लोग नमाज अदा करने आए और सक्षम लोगों ने पैसे एकत्र कर जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक माह तक भूखे प्यासे रहकर रोजे रखे जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गरीब की भूख और प्यास क्या होती है, इसलिए वे हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। ये दुआ
ईद के त्योहार पर मांगी गई। हमीरपुर डीएवी स्कूल के छोटे छोटे ननिहालों ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पर वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे पोस्टर लेकर रैली निकाली। बच्चों ने लोगों को जागरूक किया और प्रदूषण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए भी कहा और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें ताकि प्रदूषण ना फैले और सभी स्वस्थ रहें। वहीं बच्चों ने स्कूल परिसर के साथ निजी भूमि पर पौधारोपण भी किया। इस मौके पर बच्चों ने पर्यावरण से प्रेम करने का संदेश भी दिया। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग, रंग भरो, चित्रकला व फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ब्रांच स्कूल के प्रभारी ने पर्यावरण दिवस पर स्कूल के बच्चों और सभी हमीरपुर वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण ना फैले इसके लिए प्लास्टिक को रोकना चाहिए, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को भी कहा। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पर आज डीएवी स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली है और लोगों को जागरूक भी किया है। हमीरपुर में नए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने पदभार संभाल लिया है। नए उपायुक्त ने पदभार संभालते ही पूरे जिले की जानकारी हासिल की है ताकि पूरे तरीके से जिला में काम किया जा सके। हरिकेश मीणा आईएएस 2012 बैच से हैं और इससे पहले बतौर उपायुक्त चंबा जिला में सेवाएं देने के बाद हमीरपुर में पदभार संभाला है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि सरकार की नीतियों को हमीरपुर जिला में सही ढंग से चलाने के लिए काम किया जाएगा और प्राथमिकता रहेगी कि लोगों की समस्याओं का निपटारा तुरंत हो सके। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्य में भी तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा।